हाय एवरीवन, आई एम सो सॉरी, मैं इतने सारे डीएम का रिप्लाई नहीं दे पाऊंगी, इसीलिए मैं ये मैसेज डाल रही हूँ वीडियो के थ्रू. गाइस, अगर मैं किसी को सपोर्ट कर रही हूँ तो इसलिए नहीं कि वो मेरे फेवरेट हैं या ऐसा कुछ. मैं एक मेरी कंसर्न है कि अगर आप किसी पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं, स्पेशली इट्स अबाउट अ क्राइम, और ये प्रूफ करने वाले हम लोग नहीं होते, और आप एटलीस्ट जिस पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं उससे तो पूछ लीजिए, उससे तो ये न्यूज़ कंफर्म कीजिए इतना सब लिखने से पहले. सो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट मीडिया एंड एवरीवन कि वेदर इट्स एल्विश यादव और वेदर इट्स एनीबडी एल्स, कोई भी सेलिब्रिटी किसी के भी बारे में अगर आप इतना बड़ा स्टेटमेंट एक हेडिंग में लिख रहे हैं तो एटलीस्ट कंफर्म करिए उस न्यूज़ को. अदरवाइज ये बहुत ही बुरी एक पिक्चर दिखाती है उस आर्टिस्ट या उस सेलिब्रिटी के बारे में, भले ही वो हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में हो या एक क्राइम के लिए हो. सो यार, थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आई फील प्लीज नेक्स्ट टाइम जब आप किसी के बारे में इतनी बड़ी बात कह रहे हैं या लिख रहे हैं, छाप रहे हैं, तो उसके पहले प्लीज प्लीज कंफर्म कर लीजिए, भले वो हमारी पर्सनल लाइफ हो या कोई क्राइम हो या ऐसा कुछ हो, बिकॉज ये हमारे बारे में बहुत ही एक नेगेटिव पिक्चर दिखाता है, एंड वी डोंट डिजर्व इट. सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं और हम सुबह उठ के कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं देखना चाहेंगे. सो आई डेफिनेटली फील कि वेदर इट्स एल्विश यादव टुडे और टुमारो इट कुड बी एनीबडी एल्स. सो गाइज, लेट्स नॉट सपोर्ट दिस, एंड प्लीज कन्फर्म. आई नो यू गाइज आर देयर हमें चीजें बताने के लिए, प्लीज पर सही बातें बताएं. ये सब गलत न्यूज, लेट्स नॉट स्प्रेड ऑल दिस, प्लीज. आई डोंट सपोर्ट इट.